नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं अमेठी के गौरीगंज रोड पे आधुनिक इंजीनियरों द्वारा हो रहे एक आधुनिक काम को, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, तो उसके लिए वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक होता है। तो 5 जून के दिन लगभग सभी लोग अपने घर, बाग, बगीचे, खेत में कहीं ना कहीं पौधा रोपण करते हैं, ताकि अपने जीवन को और सुरक्षित रखें, अच्छा ऑक्सीजन मिले। तो अभी हम गौरीगंज रोड पे हैं, जगदीशपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि अभी थाला का काम चल रहा है। ये देख सकते हैं, थाला बनाया जा रहा है। तो ये थाला बनाया जा रहा है, अभी इसमें वृक्षारोपण होगा और इसके काम हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा है इसका काम। पूरी तरह से थाला बन चुका है, बीच में जगह खाली है। अब यहाँ पे कैसे पौधा लगेगा हमें तो नहीं पता, अगर आप लोग को पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि पहले पौधा लगाना चाहिए फिर थाला बनना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, अब सही है फिलहाल उनकी तरफ से, तो जैसा भी इसका होगा। तो और कुछ दिखाते हैं, इसका जो मेन हमें आपको दिखाना है कि उनके कारनामे क्या हैं यहाँ के आधुनिक इंजीनियरों के। तो ये जो थाला बना है वो दिखाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने पहले उसकी नींव बनाई जाती है, तो यहाँ पर नींव कैसी है ये देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे ईटा पहले रख दिया गया है, कोई मसाला वगैरह नहीं लगा है, ठीक है। इसमें चारों तरफ पहले 2-3 लाइनें ईटा रख दिया गया है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा मसाला है, कहीं पे कहीं तो मसाला ही नहीं। ये देखिए, तो ये काम किए गए हैं, बिना मसाला लगे हुए थाले हैं, आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पर मसाला है, एक लाइन मसाला लगाया जा रहा है, एक लाइन में मसाला बचाया जा रहा है। तो इसको इस मजबूती के साथ बनाया गया। और अभी आपको पता है, जैसे कि ये सड़क है, सड़क के किनारे नाला ज़रूर होता है, तो नाले में बना है। आप सोचिए, अगर नाले में जैसे बारिश होगी आने वाले समय में, इतनी बारिश होती है, बारिश में ये बचेगा या गिरेगा? तो इसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत कमज़ोर बनाया गया, इसको मजबूती से नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि एक लाइन देखिए मसाला लगा है, कहीं कहीं पर नहीं लगा। तो क्या ऐसे ही विकास होगा देश का, या ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा? अभी सरकारें आती हैं जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग बोलते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार कोई भी आए, ऊपर वाले अच्छा करते हैं तो अच्छा चलता है, लेकिन अगर नीचे वाले जो नीचे पोस्ट पे होते हैं, अधिकारी कर्मचारी, अगर वो ही जिनको काम सौंपा जाता है वो गलत करेंगे, तो पूरी बदनामी होती है, पूरे सरकार की बदनामी होती है। अगर छोटे छोटे अधिकारी जिस दिन सही हो गए और भ्रष्टाचार बंद कर दिए, उस दिन पूरा काम सब कुछ अच्छा होगा, मजबूती से होगा। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो ऐसे भ्रष्टाचार वाले थाले नहीं चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि अमेठी के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, इसकी जाँच करें और इसमें होने वाले मटेरियल मसाला की भी जाँच करें, क्योंकि ये पूरा कच्चा मसाला लगा। ये देखिए, ये बारूद छूट रहा है पूरा। अब ये मसाला है तो इससे नहीं होना चाहिए ना, पूरा बारू लगा पड़ा है, देखो ये सारा बारू, ये मसाला से काम होगा? हमें तो नहीं लगता ऐसे विकास होगा। फिलहाल ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं अभी वृक्षारोपण के लिए जो थाला बनाया जा रहा है उसमें होने वाला मटेरियल कैसे यूज हो रहा है, कुछ ऐसा ही है। तो अपना कमेंट आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये सही बन रहा है या गलत बन रहा है। अगर सही बन रहा है तो मटेरियल अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हम इसकी जाँच चाहते हैं। हमारे जो इसके डिपार्टमेंट है अमेठी के, उनसे अनुरोध है कि इसकी जांच कराइए, नहीं तो ये सारा आपका जो काम चल रहा है ये पूरा भ्रष्टाचार से युक्त हो जाएगा और आपका भी काम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे बनने वाला है, ये देखो ईंट वगैरह गिर चुकी है, और अभी करीब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में बना है और 30 किलोमीटर तक इसको बनना है। तो अभी 5 किलोमीटर तक ही संभाल लीजिए, ताकि और 30 किलोमीटर वाला अच्छा ही हो जाए। तो यही दिखाना चाहते थे हम आप लोग को। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और कुछ भूल चूक हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।